गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30, तो अभी मैं उठ चुकी हूँ। तो अभी मैं उठ के आई हूँ अपने छत पे। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को उठे हुए सुबह से। सो अभी धूप आ चुकी है, आप पीछे देख सकते हो। सो आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया, फिर देखते हैं आज का ब्लॉग कैसे बनना रहता है दिन पूरे। सो बेसिकली कल मैं गई थी मुशायरा और मैंने लाया है वहाँ से ट्राईपॉड। तो जैसे मैंने ओपन किया ट्राईपॉड की एक जो स्टिक से नीचे वाले सेल्फी मतलब टूट चुकी है एक स्टिक। सो मैं सोच रही हूँ शायद मैं उसे चेंज करवा दूँ, अगर चेंज हुआ तो देखती हूँ, तो वरना वही यूज़ करना पड़ेगा फिर से। सो देखते हैं क्या बनता है। तो मेरे को एंगल भी अच्छा आएगा ट्राईपॉड से अगर मैं यूज़ करूँगी। सो फ़ोन ऐसे गिर भी जाए तो मतलब पकड़ने में। सो देखते हैं क्या बनता है। सो अभी ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ मैं, इसलिए मैं बनाऊँगी फीके चपाती से बनाऊँगी चूल्हे पे। सो देखती हूँ, आग जलाई हुई है मैंने। सो खाना बना लेती हूँ पहले, फिर मिलता है खाना बनाने के बाद आपको, फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। मम्मा बना रहे हैं सब्जी तो मैं खाना बना लेती हूँ, काम हो जाएगा। पहले सुबह मैंने झाड़ू पोछा सारा काम कर लिया घर का। सो मिलते हैं आपको बाद में। गाइस, अभी मैं जा रही हूँ नीचे, दादी माँ मेरे को बुला रहे थे, थोड़ा सा काम था उन्हें, तो वो अभी काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गाय बांधनी है कस्सी में, तो वो अभी किला ठोक रहे हैं मतलब जबरी में, तो मैं आपको बताती हूँ वो। सो ये हमारा गोट का घर अभी तक तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से बहुत टाइम लगेगा बनाने में क्योंकि इसके पीछे तंथा डाला जाता है, पता नहीं क्या आता है, तो वो अभी टाइम लगेगा। सो अभी मैं जा रही हूँ। सो गाइस, ये रहे किला, ये दादी माँ यहाँ पर रोक रहे थे, तो चाचू ला रहे हैं गाय बांधेंगे यहाँ पे। गाइस बस अभी मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। सो मिलते हैं आपका ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, फिर करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर दिन का लंच देखेंगे। सो उससे पहले अभी स्टडी भी करने क्योंकि एग्जाम्स भी आ चुके हैं हमारे, अभी फर्स्ट टाइम के पता नहीं ऑनलाइन होंगे जो ऑफलाइन। सो देखते हैं क्या बनता है। गाइस, अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, अभी मेरे को जाना पंचायत घर क्योंकि थोड़ा सा काम है वहाँ पे, गैस सिलेंडर के लिए आए हुए हैं, मांग रहे हैं पापा का आधार कार्ड और पापा की राशन कार्ड कॉपी चाहिए उधर, तो गैस की कॉपी भी चाहिए। अभी मेरे से जा रहे हैं बड्डू, तो उसकी मम्मा जा रहे हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पर पंचायत घर। सो देखती हूँ क्या बनता है क्योंकि पापा घर पर नहीं है, मम्मा बीमार है तो घर के मेरे को ही जाना पड़ेगा। सो अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से। सो देखते हैं क्या बनता है। वैसे उन्होंने बुलाया क्यों है इतना मेरे को भी नहीं पता, मैं भी सब कुछ लेके जा रही हूँ वहाँ पे, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं, फॉर्मेलिटीज वगैरह तो क्यों मंगवा रहे हैं मुझे इतना भी नहीं पता। सो गाइस, ये रहा हमारा पंचायत घर, अभी हम इंटर होंगे अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं क्या नहीं। तो वैसे भी हमें कोल्ड ड्रिंक मिली है, हमारा काम हो चुका है, हमें भी कोल्ड ड्रिंक दी है भैया ने पीने के लिए, और चाची का काम हो गया। ये वो थे कि जिन्हें फ्री मोदी की तरफ से मतलब बीपीएल वालों को फ्री का वो मिला था सिलेंडर और गैस, हमें तो मिला नहीं, हमारा तो दूसरा पापा के नाम पे है, तो हमारा कुछ नहीं, अकाउंट रजिस्टर हुआ चाची को। अभी मैं घर जा रही हूँ और हमारे यहाँ पे लगा हुआ हैडपम्प सड़क के साथ में, और ये जो हैडपम्प लगा है वो लगा हमारे चेते चाचू की वजह से, मतलब उन्होंने यहाँ पे हमारा हैडपम्प सेक्शन कराया क्योंकि हमें पानी लेने बहुत ही दूर जाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया हमें नाड़े पे बावली पे पानी लेना जाना पड़ता है, तो ये हैडपम्प जो है चाचू की वजह से यहाँ पे लगा है। तो मतलब मैं आपको मिलवाती हूँ चेते चाचू से, आप खुद ही बात कर ले, मैं उनसे पूछती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। ये हमारे चाचू, और चाचू जी क्या कर रहे हो? चाचा पेंचरा ला जी। हाँ जी जी। सो चाचू, ये हेडपम्प आपकी वजह से आया, मतलब हमें थोड़ा एक्सप्लेन करो मतलब कैसे लगा, बहुत साल हो गए हमें कभी हेडपम्प मिला नहीं हमारे गांव में। एक्चुअली मसला इस बात का ये था कि ये हेडपम्प आया था हमारे ब्लॉक घर में, तो घर का जो हेडपम्प था वो घर में आया था जी, तो मैंने सोचा चलो दुनिया घर में तो हर कोई इंसान लगाता है जी जी, ऐसा होना चाहिए कि सारी दुनिया पिए, डेवलपमेंट का काम हो, लोग भी पिए, कितने आने जाने पीते हैं, सही बात है, दुआ भी मिलती है, हाँ सब कुछ होता है, तो इसलिए हमने उस बात को रहने दिया और यहाँ पे लगा दिया। मैंने वो सोचा कि नीचे वाले गांव भी पिएंगे, ऊपर मंदिर है शिव मंदिर भी पिएगा, रविदास मंदिर है वो भी पिएगा, ये देव स्थान है ये भी, और शिव जी महाराज का यज्ञ होता है यहाँ, तो इसमें ये बहुत ही जरूरी था। और फिर डीडीसी मैडम संगीता शर्मा के द्वारा आया गया है जी, ये वार्ड नंबर 7 का था, लेकिन वहाँ से मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी की तकलीफ थी और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी,
दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हमने ये वहाँ से हमने उठा के यहाँ पे लगवाया ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि धूप में जाते हैं आगे जैसे अपने जैसे आप खुद ही देख सकते हो, मैं अभी आई हूँ तो मेरे को प्यास लगी है, तो मैं वही बात करूँ। मैं जैसे जनवरी का महीना आता है, जनवरी के महीने में बिल्कुल पानी यहाँ पे बूंद भी नहीं मिलता। अभी आप अभी आपको बता रहा था यहाँ पे तो 10-20 तो ऐसे वैसे फलारू कुत्ते हैं, उनका नाम वैसे फलारू कुत्ते होते हैं, वो भी प्यास के लिए यहाँ पे बहुत पानी नहीं होता। सही बात है। कश्तियाँ नाले सब कुछ सूख जाती है, जो हैंड पंप है जो इसमें कभी वैसे सूखेगा नहीं। अभी तो माता रानी की कृपा है, तो आगे देखो होता है क्या, जो मंजूर है खुदा। हाँ कोई बात नहीं। सो गाइस ये मैं आपको हैंड पंप बता देती हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। चलो इसकी ओपनिंग जो की थी, जो पानी कई वैसे बंदे यहाँ पे बोल भी रहे थे कि ये पानी आएगा नहीं, यहाँ पे पानी है भी नहीं। हाँ, बहुत नीचे तक ये 270 फुट चला गया था, बोलते पानी नहीं आएगा। मैंने बोला यहाँ पे आएगा पानी। देख सही बात है, कृपा हो यहाँ पे, क्योंकि घर गाइस आप यहाँ पे नीचे पास में ही यहाँ पे पास में एक मंदिर है नीचे शिव भगवान का, तो यहाँ से चाचू डेली पानी चढ़ाते हैं वहाँ पे सुबह जब आते हैं अपना काम करने के लिए यहाँ पे। तो देख सकते पानी साफ बिल्कुल क्लीन आ रहा है, साफ साफ पानी है ये। तो चाचू की वजह से यहाँ पे हैंडपम्प लग पाया, मतलब एक किस्म का सोचा जाए। सो गाइस इनके ये हमारी वजह से नहीं है, ये तो भगवान की देन थी, उनमें लगाना था यहीं पे। हम तो एक मोरा होता है ना आगे काम करने, कठपुतली हम तो वो हैं जी। तो बाकी ये बात है कि ये भगवान ने देना था यहाँ पे पानी, क्योंकि पानी की दिक्कत है बहुत थी। ये देवता है, ये यहाँ पे मुंडन होते हैं, कम से कम भी जब भी मुंडन होते हैं कम से कम हजारों के तादाद में यहाँ पे बनते हैं। जी जी। और ऊपर आप लोग बता रहे हैं, ऊपर का दृश्य कीजिए कैमरामैन साहब, ऊपर है जो ये है रविदास मंदिर है, रविदास मंदिर है, रविदास मंदिर जी। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे भव्य दर्शन किया जाते हैं रविदास मंदिर जी के, और यहाँ पे श्रद्धालु इतनी भीड़ होती है डेली संडे को, रविवार को आते हैं श्रद्धालु आते हैं। उसके बाद भंडारा होता है, तकरीबन हजारों की तादाद में लोग आते हैं जहाँ पे दर्शक, यहाँ पे पानी की किल्लत होती है, फिर वो गाड़ियों से मंगवाते हैं। तो क्यों गाड़ी मंगवानी जब अभी बीजेपी सरकार दे रही है इतना कुछ, तो ये बेनिफिट आगे और कोई सरकार तो मिल नहीं सकता, लेकिन ये बीजेपी सरकार ने दिया है, हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। बाकी आज दिन कितनी सरकारें आई हैं, क्या मिला, कुछ भी नहीं। अभी बीजेपी के जैसे और काम है छोटे मोटे, मैं ज़्यादा तो नहीं मैं गिनाना चाहता हूँ, वो बहुत हैं, अगर गिनना शुरू हो जाए तो शाम हो पड़ जाएगी। छोटे मोटे मैं नॉर्मल आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे द्राट वाला दंदानी वाला पुल था जी जी, हमको इतना मुश्किल थी कि जो छोटा पुल था यहाँ से गाड़ी नहीं जाती, एमरजेंसी में हो जाता, हमने जम्मू जाना सुंदरबनी जाना हो, यहाँ से हम निशारा जाते थे, निशारा जा भाया उधर तिसी पुल से, सेरी पुल से या फिर निशारा वाले पुल से जाना पड़ता था, हमारा 1.5 घंटा वेस्ट हो जाता। अभी हमको 12 या 13 मिनट मिलते हैं डायरेक्टली सोट पहुंच जाते हैं। तो ऐसा है कि अब उसके पहले भी हमने बता रहे थे, अभी इस पुल की जो ये भी सैंक्शन हो चुका है, ये भी बहुत बहुत बीजेपी को हम बहुत बधाई देते हैं कि उनके द्वारा ये सैंक्शन हो चुका है, बस चंद ही दिनों में आने वाला है, बस काम शुरू होने वाला है। और भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारी बीडीसी मैडम है बहुत ही हुनहस्त है और बहुत ही तेज त्राट है, हम तो बोलेंगे कि ऐसा बंदा हमको MLA के रूप में मिल जाए तो फिर तो हमारी बाबा ही बाबा है। बाकी और छोटे मोटे मैं आपको काम बता दूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो आज तक हुए नहीं है। ऊपर बाबा नरसिंह का मंदिर था, वहाँ पे दुनिया आती थी लेकिन वहाँ पे रोड नहीं था, उसकी वजह से कितना ऊपर जाने था आधे लोग नीचे ही रुके रहते थे, नीचे से ही मंदिर मथा टेक के चले जाते थे। उन्होंने 2 लाख का काम दिया, अपने फंड से दिया है, अब ऊपर जाते हैं हम बहुत ही, और हम ये बोलते हैं कि उनको बहुत ही उनका धन्यवाद करते हैं अपनी BDC मैडम का, जो कि उन्होंने ऐसा काम किया। और हमारी जो जैसे मुझे बोलते हैं शमशान घाट भी इतनी बैड कंडीशन थी, अभी उन्होंने जो सैंक्शन करवाया शड के बारे में सैंक्शन करवाया हुआ है। तो और भी बहुत सारे जो डेवलपमेंट के काम हैं उन्होंने इतने इतने बेहतरीन काम दिए हैं, आप ग्राउंड लेवल चेक कर सकते हो कि काम है कि नहीं है जी जी। तो और भी मैं आपको काम जैसे गिनाना चाहता हूँ मैडम के, अभी जो ये सेरी वाली रोड है वो भी बीचों बीच काम चल रहा है उनका, और अभी हम और भी डिमांड करते हैं, अभी जैसे नेक्स्ट डिमांड मैडम ने डाली हुई, जैसे ये 12th का स्कूल ये भी ये भी हो चुका है, बस अभी कुछ थोड़ा सा काम पेंडिंग बचा है, आने दिनों में ये भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको सबसे और खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि मैडम जी अभी यहाँ पे JK बैंक की ब्रांच दे रहे हैं,
जी, ये तो बहुत सहूलत हो जाएगी हम जैसे बंदू को। हमारे लोगों को तकरीबन से यहाँ से 10-12 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता था सेरी सहाल में बिल जमा करवाने के लिए, पैसे जमा कराने, जो बूढ़ी माई है वहाँ पे अपने पेंशन लगी हुई है, सहारा लगी हुई, वो भी करवाने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा हमको लग रहा है कि मैडम के राज में हमको सब कुछ मिलेगा। हमें MLA की भी जरूरत नहीं, पहले हमें रविंदर रैना साहब थे वो तो हमारे बीच में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पे ऐसे ऐसे ऑनेस्ट बंदे भेज दिए जो कि काम डेवलपमेंट के हो रहे हैं। हम और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, जो पानी दे दिया अपने DDC मैडम ने, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस गर्मी में इतना पानी भी बहुत कीमती है। अभी मेरे को प्यास लग गई, बस मैं पानी पीने वाला हूँ। कुछ बंदों ने ऐसा बताया यहाँ के कि यहाँ पे पानी है ही नहीं, मोटर का पानी डाला हुआ है। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको प्यास लगी तो कृपया करके कोई आ सकते हो, दुराए नहीं, आराम से आए पिए और माथा टेके जाए कि ये जल देवता जी हमसे गलती हो गई है, पाप हमसे क्षमा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय। अभी मैं जा रही हूँ घर, ये थे हमारे चेते चाचू जिनसे मैं अभी बात कर रही थी कि वही हमारे हेडपम्प के बारे में। सो बहुत ही शुक्रिया चाचू का भी, तो मैम का भी, सरकार का भी, BJP का, जिन्होंने हमें ये हेडपम्प दिया यहाँ पे। सो अभी मैं जा रही हूँ घर पे, सो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया हो, क्योंकि इस ब्लॉग मैं करती हूँ यहाँ पे। एंड और गाइस, हमें हमारे गांव में ऐसे वाली चीज़ें और भी चाहिए होंगी, मतलब बहुत ही ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर थोड़ा सा भी फंड और आता है तो हमारे गाँव में और भी सहूलत हो जाए, हमारे गाँव में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। सो गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।